हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और न्यू वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बकरी के बच्चे होते हैं, जो पहली बार उनकी डिवॉर्मिंग कब करनी होती है वो दिखा रहा हूँ। सुबह सुबह के टाइम है, फिलहाल तो गंदगी फैली हुई है। इनकी डिवॉर्मिंग करने के बाद मैं इसकी जो अपने फार्म है इसकी मैं सफाई करूँगा। इनको मैं ढक के रख रखा है बच्चों को। तो दोस्तों, बकरी पालन में बच्चे होते हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं हमारे जो फार्म को आगे ग्रो करने की। तो दोस्तों, ऐसा है ना कि जो मेरे बच्चे हैं, फर्स्ट डिवॉर्मिंग कर रहा हूँ, तो मैं फर्स्ट डिवॉर्मिंग इनकी अल्बेंडाजोल से करूँगा, ठीक है। इनकी फर्स्ट डिवॉर्मिंग अल्बेंडाजोल से करूँगा। ये मैंने अल्बेंडाजोल लेके आया हूँ। तो ये अभी 15-15 दिन के हुए हैं, तो 15 दिन के बच्चों को आप 1 ml दीजिए, ठीक है। 1 ml से आप इनकी डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। मैंने बच्चे को बाहर निकाल दिया और अभी मैं अल्बेंडाजोल जो है इसको सिरिंज के माध्यम से इनके अंदर मुंह में डाल दूंगा, सिरिंज के माध्यम, ठीक है। ये देख लीजिए, ये बच्चे हैं इनके, ये 15-15 दिन के हो गए आज, तो इनकी मैं फर्स्ट डिवॉर्मिंग कर रहा हूँ। अल्बोमार जो बोलते हैं इसको, अल्बेंडाजोल ओरल, 1 ml दूंगा मैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको पूरा सिरिंज को भर लिया है, 5 ml की है। तो ये मैं 4 बच्चों को दूंगा, एक इनमें थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं 1.5 ml दे दूंगा, दूसरे हैं उनको मैं 1-1 ml दे दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके इनमें सभी को, चारों को जो मैम ने, इनको मैं अभी जो अल्बोमार है इनसे इनकी डिवॉर्मिंग कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। डिवॉर्मिंग करने का सही तरीका है कि बकरों के जो बच्चे होते हैं, उनके इधर साइड से डिवॉर्मिंग करती है, इनके करनी है, सीधा मुंह में नहीं डालना है। मुंह में डालोगे तो इनके फेफड़ों में चला जाएगा ये दवाई वगैरह, इससे इनको निमोनिया वगैरह हो जाता है। तो ठीक है, डिवॉर्मिंग करने के बाद मैं आपको इनका पूरा प्रोसेस आगे की समझाऊँगा, क्योंकि मैं फ़िलहाल तो अकेला बंदा हूँ, मैंने मोबाइल हाथ में ले रखा है। तो इनकी मेरे को डिवॉर्मिंग करनी है, तो इसलिए मैं वीडियो को अभी फ़िलहाल ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मैंने डिवॉर्मिंग कर दी है इनकी, आप देख लीजिए पूरा सिरिंज खाली हो चुका है। तो अब मैं इनको क्या करूँगा, इनको मैंने इनकी माओ से अलग कर दिया है, ठीक है। और इनकी माओ को मैंने फार्म से बाहर निकाल दिया, क्योंकि डिवॉर्मिंग करने के कम से कम आप 2 घंटों तक इनको मैं दूध नहीं दूंगा अपनी माओ का। तो डिवॉर्मिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कम से कम बच्चे जब 15 दिन के हो जाए तो इनकी आप फर्स्ट डिवॉर्मिंग ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो मिट्टी वगैरह खाते हैं और दूध पीते हैं, तो इससे उनके ना पेट में जल्दी कीड़े पनप जाते हैं और वो कमज़ोर दिखने लगते हैं, और उनको जो दूध होता है माँ का वो लग नहीं पाता है। तो इसलिए उनकी फर्स्ट डिवॉर्मिंग कर दीजिए। सेकंड डिवॉर्मिंग भी आप 15 दिन के बाद ही कर दीजिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, जल्दी पेट में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, तो आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे। डिवॉर्मिंग करने के बाद आप इनको 3-3 ml ब्रोटोन, लिवोटोनिक, जो भी आपको अच्छा लगे लिवोटोनिक आप दे दीजिए। 3-5 दिन तक लिवोटोनिक दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं देना, थोड़ा मात्रा में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।